हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज रियलमी की तरफ से है। तो आज रियलमी ने कंफर्म कर दिया है कि रियलमी 6i 17 मार्च को लॉन्च होने वाला है। बट ये 17 मार्च को इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, ये म्यांमार में लॉन्च होने वाला है। और ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें हमें मीडियाटेक हीलियो G80 का चिपसेट मिलने वाला है। मीडियाटेक हीलियो G80 मीडियाटेक हीलियो G70 का ही सक्सेसर है, बट इसमें हम गेमिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। और रियलमी 6i में हमें 48 मेगापिक्सल कोर कैमरा मिलने वाले हैं। इसमें हमें टाइप सी पोर्ट भी मिलने वाला है और इसको हम चार्ज कर पाएंगे 18 वोट के फास्ट चार्जर से। तो दोस्तों, क्या आप रियलमी 6i के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और एक रूमर के हिसाब से ये पता चला है कि रियलमी 6i की प्राइस 10,000 से भी कम हो सकती है। अगली न्यूज प्ले स्टोर की तरफ से है। तो आज गूगल प्ले ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि गूगल प्ले स्टोर में डार्क मोड अवेलेबल हो चुका है। पहले भी डार्क मोड अवेलेबल ही था प्ले स्टोर में, बट कुछ यूजर्स के लिए ही अवेलेबल था। अब सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल हो चुका है डार्क मोड। अगर आपको प्ले स्टोर में भी डार्क मोड यूज करना है तो आपको सिर्फ सेटिंग में जाके थीम चेंज कर लेनी है। अगली न्यूज Xiaomi की तरफ से। तो आज Xiaomi ने अपने नए प्रोडक्ट का लॉन्च का टीजर निकाला है और उन्होंने टीजर में लिखा है कि कट द कॉर्ड लॉन्चिंग ऑन 16 मार्च। तो शायद ये लोग उनका कोई वायरलेस चार्जर या फिर वायरलेस पावर बैंक 16 मार्च को इंडिया में लॉन्च करने वाला है। कौन सा प्रोडक्ट होगा वो तो हमें 16 मार्च को ही पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये न्यूज पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। अगली न्यूज सैमसंग की तरफ से। तो आज सैमसंग गैलेक्सी M11 के कुछ फोटोग्राफ लीक हो चुके हैं। वहां से ये पता चलता है कि सैमसंग गैलेक्सी M11 में हमें 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है और इस बार इसमें हमें पंच होल कैमरा मिलने वाला है और ये सून लॉन्च होने ही वाला है। तो दोस्तों, क्या आप लोग सैमसंग गैलेक्सी M11 के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली न्यूज वन प्लस की तरफ से है। तो आज वन प्लस 8 प्रो का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। वो फोटोग्राफ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ जहाँ पर वन प्लस 8 प्रो हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर के हाथ में दिखाई दे रहा है। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। वन प्लस 8 प्रो के सारे स्पेसिफिकेशन पता चल गए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आपको कार्ड पर लिंक मिल जाएगी, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतनी टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।